पावन अपनी हाथ से कृष्णाय वास्तवाय हरिये परमात्मने प्रय न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कलशानुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वन जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा चरणौ मम श्री कृष्णा चरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ। अभाग्यशाली कल्याणकारी मेरे देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, और जरा अपने मन को एकाग्र करें। जुड़ दी भगवान जी की अत्यंत कल्याणकारिणी एवं मधुर वाणी में। एक लंबा समय हो गया मेरी गीता अनुयायी देवियों और मेरे गीता के पैरोकार सज्जनों अपने महाराज जी की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारिणी वाणी को श्रवण करते, मनन करते, अपनाते हुए भी मुझे जरूर कहना चाहिए, अर्थात भगवान जी की वाणी को अपने जीवन का अंग बनाते हुए भी हमें एक लंबा समय गुजर गया। इसका प्रभाव आज मैं महर्षि वेद व्यास जी के शब्दों में बताना चाहता हूं। गीता के ज्ञान का प्रभाव क्या होता है, ताकि हम सब बिना पक्षपात अपना निरीक्षण कर पाएंगे कि हमारी आंतरिक अवस्था क्या है। लगातार जब ज्ञान सुना जाता है, विचार किया जाता है, लगातार सुन भी वही सकता है जिसके मन में यह पक्का इरादा है कि मैंने अपना कल्याण करना। जो अपनाने वाले नहीं होते मेरे देवियों, वो ऊब जाते हैं। कुछ दिन सुनेंगे, जैसे कई आए चले गए, कई माताएं आई, पैतरा कह दिया हमारे बस की बात नहीं, छोड़ गई, संस्कारों ने साथ नहीं दिया, कुछ पुण्य समाप्त हो गए और यहां से चल दिए। लेकिन हम लोग जो अभी टिके हुए गए और भगवान करे टिके रहे और महाराज जी के अनुसार अपने जीवन को बनाए, क्योंकि तरीका यही गए अपने लोक प्रलोक बनाने का। ओ मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, ये हमारे शरीर का रोम रोम और मन का एक एक कण, और जो हमारे खून के अंदर जीवाणु है, एक एक जीवाणु पूर्ण रूपे मान चुका है कि अपनी बिगड़ी बनाने का यही एक उपाय है। गौर करना, ये हम सबकी आंतरिक आवाज है, मौखिक आवाज नहीं, ये हमारी ये वर्बल टॉकिंग नहीं है। इट इज बेस्ड ऑन ट्रुथ, इट इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल साइड। तो इसका प्रभाव क्या होना चाहिए, और जरा अपना निरीक्षण करें। महाराज जी ने क्या कहा है, लगातार वाणी सुनने वाले, लगातार अपनाने वाले, ये बड़ा अच्छा विषय है आपके लिए, और जरा एक और भी एकाग्रता से काम लीजिएगा। वाणी जैसी आप लगातार सुन रहे हैं और मुझे भी मेरे मालिक जितनी प्रेरणा दे रहे हैं उस पर विस्तार करने की चेष्टा किए जा रहा हूं, हम दोनों ही अपनाने वाले हैं और हम दोनों ही कल्याण कामी हैं। बोले के लिए मैं नहीं आके बोलता, दिली तमन्ना आई कि ये जन्म सफल करके चला जाऊं। इस संसार में कुछ नहीं पड़ा, भले ही भगवान ने बनाया है, जो चीज टिके ही नहीं और सदा डिजॉल्व होती रहे, उस चीज पर महामूर्ख की विश्वास करेंगे, थोड़ी सी आकर रखने वाला कभी भी विश्वास नहीं करेगा। देखिए मैं क्या बोल गया, जो प्राणी जो पदार्थ टिकने वाले ना हो, आए और जाए, आए और जाए, कौन दाना होगा, विचारवान होगा, विवेकवान होगा, थोड़ी सी बुद्धि रखने वाला होगा जो इस पर विश्वास करेगा, कभी भी वो अपना मन नहीं लगाएगा।
बिल्कुल भगवान ने पांचवें अध्याय के 22 श्लोक में बिल्कुल ठीक कहा, दाना कहा इससे कुछ काम है। यही एक मुख्य कारण है जो हमारा मन संसार में किसी प्राणी में किसी पदार्थ में किसी परिस्थिति में नहीं लगता। अगर हम मूर्खतावश लगाना भी चाहे नहीं मन लगता, इतना टूट चुका है मन, इतना छूट चुका है मन, इतना रूठ चुका है मन, टूट गया छूट गया रूठ गया। क्योंकि जिस संसार के प्राणी पदार्थों का स्वभाव है हमें निभाया, ये कोई बात बनी, बने और टूटे। हम कहते हैं बड़े सुंदर है, सुंदर भी हमने मूर्खता से कहे हैं। जब ये पता हो कि ये चीज बड़ी सुंदर है लेकर चली जाएगी, बस मन टूट जाएगा, चली जाएगी, ये रहेगी नहीं। हाँ, हमारा मन पीछे हट जाता है, वो सुंदरता सारी खत्म हो जाती। मैं आपको बता दूं, संसार के प्राणी पदार्थ तब सुंदर है जब हमें ये ना मालूम हो कि ये चले जाएंगे। जब ये भली प्रकार मालूम हो जाएंगे कि ये चले जाने वाले टिकने वाले नहीं है, अपने आप ही हमें पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। मेरे सज्जनों, मेरे धार्मिक भाइयों, माताओं, मेरी बेटियों, हमारा मन पीछे हट जाता है। ये शब्द ही नहीं अच्छा लगता हमारे मन को, चले जाएंगे, ठहरेंगे नहीं, मेरा साथ नहीं देंगे, मेरे सुख दुख में साझी नहीं बनेंगे। नहीं, ठीक बात है, छोड़ दिया। इसलिए जी चाहता है हम सबका कि महाराज जी के अनुसार कुछ ऐसा अभ्यास कर जाए कि लौट के ना आए। अगर किसी भी उपस्थित देवी का, मेरे सज्जन पुरुष और धार्मिक भाई का दिल करता संसार में आऊं, उसने संसार के स्वभाव को समझा ही नहीं, वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना चाहता है, अपने मन को एकांत में बैठकर समझाया करो। आप वो तो है नहीं कि रात लेटे और आपको नींद आ जाती है, मैं कभी नहीं मानूंगा, नींद कुछ देर के बाद आती होगी। तो फिर क्यों नहीं, जिस तरह मैं आपके सामने चौकी लगा के बैठा हूं, आप भी चौकी लगा के बैठ जाया करो और थोड़ा सा विचार मुद्रा में गंभीर चिंतन जारी कर दिया करो, जब तक गहरी नींद ना आ जाए या जब तक पहली झपकी ना आए आंखों में, तब तक विचार करते रहे, गहराई में जाते रहे कि इस संसार का क्या चीज अट्रैक्टिव है, क्या चीज इसकी वेरी स्माइलिंग है, कोई चीज नहीं। आप कहेंगे कैसी, चलायमान है ना, है तो सब चलायमान, तो कोई चीज नहीं लगती। चाहे शिमले की सीनरी हो, चाहे कश्मीर का लैंडस्केप हो, और चाहे किसी बहुत बड़े बगीचा के खिले हुए फूल हो, खिलखिला के हंस रहे फल हो, और चाहे छायादार वृक्ष हो, नहीं अच्छे लगते। जिसके मन में यह स्वभाग है कि ये चलायमान है, ये जाने वाले गए, अगर किसी का कच्चा मन संसार पे लट्टू होता है, तो मैं आपसे बार बार कहूंगा और ये कहता हूं आगे जा रहा हूं, आप फिर विचार कीजिए, आप फिर गहराई में जाइए कि क्या कारण है आपका मन अभी तक संसार से हटा क्यों नहीं, संसार की कौन सी चीज लुभाने वाली है, अट्रैक्टिव है, कौन सी चीज आकर्षक है। जब सब चीजें चलायमान है, आकर्षण तो खत्म हो जाता है, नो अट्रैक्शन एट ऑल। ओ मेरी देवी हो, आपका मन बड़ा कच्चा जे, और आप बड़े शौक से आ रही हो, कुछ कुर्बानी करके भी आ रही हो, इस बात को बार बार मन में बिठाना, मन किस चीज पर दिल देना चाहता है। कोई चीज टिकायमान नहीं है, सब चलायमान है, इतना आपका कहना ही मन के लिए बहुत ज्यादा। मन में तो यह भाव है कि मैं हमेशा रहने वाली खुशी प्राप्त करूं, हमेशा रहने वाली मुझे शांति मिले, तो वो संसार से तो मिलनी असंभव, युग युगांतर गुजर गए, एक भी व्यक्ति संसारी रूप में शांत नहीं रहा, एक भी नर नारी संसारिक रूप में शांति से नहीं जी सकी। संसारिक रूप में, परमार्थिक रूप में तो कई जी गए और कईयों को तरीका सिखा गए,
उन्हीं के नक्शे कदम पर हम लोग बड़े शौक शौक के साथ बढ़ते चले जा रहे हैं। भगवान करे और भी बढ़ते चले जाए और परमार्थ की मंजिलों को हम तय कर ले। ऐसा शौक पैदा कर, भली नारी का चोला है कोई बात नहीं, मन नर वाला बना लो। नर वाला मन क्या होता है? जो घबराए नहीं, जिसमें हिम्मत हो, जो हमेशा फर्टिट्यूड से काम ले, वो उसको नर वाला मन बोलते हैं। भूल जाओ आप ये के आंचल में या दूध और आंखों में पानी, आप तो भगवान के इन शब्दों को चूम के अपने मन में रख ले। हर एक मेरी भैया, हर मेरी बच्ची, खासकर ये जितने भी यंगस्टर्स आए बैठे हैं, ही है ये शी, ये पक्का करे भगवान के शब्दों को चूमो, चूम के अंदर ले जाओ। क्या अगर दिल है मजबूत चिंता, अपने मन को मजबूत बनाइएगा। ज्ञान से मन मजबूत बनता है। मन को मजबूत बनाने का तरीका केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान। हमारा हिंदू धर्म पुकार पुकार के कहता है मन को मजबूत बनाने का तरीका भगवान का ज्ञान ही है। नहीं शायद जहां में कोई ज्ञान सी करे पाक फितरत जो इंसान की, देयर इज नो अल्टरनेटिव, नो आउट। सो व्हाट दी माइंड स्ट्रेंथ इज कंसर्न, नो अदर वे आउट, नो अदर वे आउट। ऐसा तपाक से अपने मन को समझाओ। मैंने कितनी बार आप सबको कहा, आप बड़े डिग्री होल्डर हैं, सारी अपनी विद्या भगवान की ओर लगा दो। सब कितने भी आप पढ़े हुए हैं, आप ग्रेजुएट है, एमए है, बी एड कर रखा है, बीटी है, जो कुछ भी आपने विद्या यूनिवर्सिटियों से ली है, वो सारी विद्या को इधर मोड़ो, जल्दी चमक जाओगे। अच्छा, अपना मन मेरे साथ लगा दो। भगवान की जो इतने चिरकाल से हम वाणी सुन रहे गए, उसका प्रभाव व्यास महाराज जी के अनुसार ये हो जाना चाहिए। क्या हमारे में हो गया है? इसे बोलते हैं निरीक्षण करना, इंट्रोस्पेक्शन करना, अपने सतर्क को देखना, अपने स्टैंडर्ड को देखना, या अपने मन के मैयार को मुआयना करना। हम अपने मन के मैयार का मुआयना करें। जैसे हर साल स्कूलों में मुआयना होता है, इंस्पेक्शन होती है, आओ थोड़ी देर के लिए हम अपनी इंस्पेक्शन ऑफ करें। लेट अस सी वेयर वी स्टैंड। पहली बात जो आपके लिए हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति के परम पिता सज्जनों और देवियों फरमाती हैं व्यास जी, वो क्या हो जानी चाहिए? पहला प्रभाव भगवान के ज्ञान का चार चार कानों से सुन लो। सुन ले मेरी भगवती, बाबा बता बता जरूर बता। पहला प्रभाव पड़ता है बुद्धि पर। दत्त चित रहना मेरे साथ। आज का विषय आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अपने ताई देख सकेंगे, अपने अंदर देखेंगे। जैसे एक साल के बाद मुनीम जी सारे विध मिलाते हैं अपने बही खाते की, इस साल भर में क्या नफा रहा, क्या घाटा रहा, सारी विध मिलाएंगे। हम भी आज बैठे हुए अपने अंदर को देखें, क्या नकद क्या उधार। तो सबसे पहला प्रभाव मेरे साथ रहना। मैं बार बार कह रहा हूं आप सबके सब, चारों ओर से हट के मेरे साथ रहना मानसिक रूप में। पहला प्रभाव भगवान के ज्ञान का बुद्धि पर, बुद्धि पर जी। सबसे पहला प्रभाव बुद्धि पर। बुद्धि को आप ब्रेन ना कहा करें, बुद्धि को आप अंग्रेजी में इंटेलेक्ट कहा करें। ब्रेन तो होता है स्मरण शक्ति, मेमोरी। मेमोरी को ब्रेन बोलते हैं। हमें बोलना चाहिए अंग्रेजी में जो है इंटेलेक्ट। सबसे बड़ा प्रभाव हमारी इंटेलेक्ट पर, हमारी बुद्धि पे पड़ता है। क्या बुद्धि में विवेक जाग उठता है? एकाग्र रहना मेरी देवियों, मेरे सज्जनों। तो क्या हर एक में विवेक है? है। मनुष्य रूप में भगवान ने, जब मनुष्य इस रूप में जीव आया, भगवान ने विवेक इसको साथ दिया। और विवेक का काम क्या होता है?
ये बताते रहना मन को, ध्यान देना जरा, उचित क्या है अनुचित क्या है, उर्दू वालों मुनासिब क्या है गैर मुनासिब क्या है, ज्यादा अंग्रेजी जानने वाले मेरे देवियों प्रॉपर क्या है इम्प्रॉपर क्या। सबसे पहला फंक्शन जो कल जो का बेड़ा गर्क हो जीवों की इस प्रॉपर्टी को लूट लिया, कलयुग ने इसी भौतिक शक्ति को लूट लिया है। तो इंसान किसी काम का नहीं दे, अगर ये नहीं जागी विवेक, विवेक की नहीं शक्ति नहीं जागी तो हम किसी काम के नहीं। विवेक है तो हम लख के, वो विवेक नहीं तो हम कक के। मेरे गुरुदेव महाराज जी फरमाया करते थे, अगर तो इंसान में विवेक परिपक्व है तो वो हीरो है, हीरो। वाह मेरे गुरुदेव वाह। और अगर विवेक परिपक्व नहीं तो आप जानते ही हैं जीरो। देखिए अपने आप को, वेदर यू आर हीरो और जीरो। पढ़ी लिखी हो बेटी, एक ही अक्षर का शब्द का नहीं, एक ही अक्षर का, एक ही लेटर का अंतर है। हीरो जीरो, रिमूव दी एच एंड एड जेड, और मीनिंग में आकाश पाताल का अंतर। हीरो कहां और जीरो का, जैसे मैंने कहा लक कहां और कक कहां। हाय इंसान का अगर परिपक्व है विवेक वो शंकर है, और विवेक नहीं तो वो कंकर की तरह धक्के खा रहा है। शंकर और कंकर है, कितने प्यारे शब्द दो, कितने प्यारे शब्द चूम लेना और अपने मन में रख ले। हम शंकर हैं या कंकर, हम लक के हैं या कक के, हम हीरो गए या जीरो, हम शिव हैं या शव। विवेक पक्का है तो हम शिव है, अगर इंसान का विवेक खोया गया कलयुग ने ले लिया तो हम शव, चलते फिरते मुर्दे। चलते शव ने मुर्दा, चलते फिरते हम मुर्दे हैं। आह 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 कितने अच्छे ढंग से हमारे महापुरुष हमें ज्ञान की चोटी मार गए हैं। चोटें भी कई प्रकार की होती हैं, इसे बोलती है ज्ञान की चोट। जैसे हम कहते हैं बात की बात और लात की लात, ये नहीं कि अपने पैर की लत मारी किसी ने हमारी सिर मर। जब विचार कोई ऐसा दिया जाता है तो लात का काम कर जाता। जैसे मैंने आपसे ये कहा निरीक्षण कीजिए, क्योंकि हम सब कल्याणकामी हैं, सब मेरी उपस्थित माताएं मेरी अच्छी बेटियां कल्याण करके रहना चाहती हैं, और कल्याण करके इस जहाने फानी से कूच करना चाहती है, और ऐसा कूच कि फिर लौट के नहीं आना चाहते। गॉन एंड गॉन फॉर एवर, गश्ती और गश्ती किसके लिए, सदैव गच्छति सथाई गच्छति सथाई गच्छति, फिर हम हमारा आगमन ना हो। हम इस संसार में लौट के नहीं आना चाहते। ये संसार भगवान को ही मुबारक हो, उन्हें ही अच्छा लगता रहे, हम जीवों को ये संसार अच्छा नहीं लगा। इसमें एक ही बड़ा अवगुण है, यहां की कोई चीज, यहां का कोई रूप, कोई पदार्थ, कोई परिस्थिति है, कोई ऋतु, कोई देवी देवता स्थिर नहीं रहता। और भगवान ने जोरदार शब्दों में अपने प्राणियों को चेतावनी दी है, किसी की ना कुछ बात बाकी रहे, फकत एक वही जात, ना सुनी अनसुनी करना मेरी देवियों, कदर करना भगवान के इस गर्मा गर्म चेतावनी की। ये भगवान की गर्वा गरम चेतावनी है, गर्वा गरम घोषणा है, गर्वा गरम ऐलान है, किसी की न कुछ बात बाकी रही, फकत एक वही जात बाकी रहे। और भी गहरा ले चलो इसको, तो इसके बाद विवेक परिपक्व हो जाना चाहिए। महाराज जी की वाणी सुनते सुनते और पक्का कर लो इस बात को। विवेक आपका जग गया, आपकी बुद्धि को पता लग गया कि सत्य क्या है, केवल भगवान जी, और असत्य क्या है जो उन्होंने अपने में से प्रकट किया है जहान। ये बात गहरी उतर गई मेरी देवियों। हर एक का अपना अपना विषय है, अपना अपना सवाल और अपना आप ही जवाब है। अगर हो गया
आपको ये भली प्रकार पता लग गया कि सत्य केवल भगवान है और असत्य ये जहान नहीं, किसी काम का नहीं। तो फिर मैं आपको यकीन दिलाता हूं, पर जरूर ये अवस्था बन गई होगी, हर समय प्रभु का चिंता। फिर ये मेरे और आप पे लागू हो जाएगा, क्या मुझे दिल से अर्जुन बुलाता नहीं, आए किसी गैर से दिल लगाता। फिर आप मेरी वाणी पर विश्वास करना, थोड़ा ही समय रह गया भगवान की जात पे तलीन होने का। ये व्यास गति है, एक एक शब्द में धर्म कंडे पे तोल के बोल रहा हूं, थोड़ा ही समय बाकी। अगर हर समय भगवान का चिंतन है तो, और हर समय किसका चिंतन होगा, जिसके मन में बैठ गया है केवल इस विचित्र एवं विलक्षण संसार में एक मेरे इष्ट देव की जात ही सत्य है, बाकी सब चीजें असत्य हैं। दीज आर ऑल नॉन ट्रूथ, नॉट डिपेंडेबल, नॉट रिलायबल, बिकॉज नॉन ट्रूथ, बिकॉज दीज आर ऑल मोमेंट्री, टेम्पोरेरी। ओह, फिर मैं आपसे कहूंगा, अगर देखिए कि हर रोज ज्ञान सुनने का ये प्रभाव पड़ गया, हर समय प्रभु का चिंतन जारी हो गया, हर समय जैसे मेरे मालिक ने, मेरे प्रभु ने, मेरे गुरुदेव ने मेरा जारी कर दिया है, मेरा प्रभाव जरूर आप पे पड़ रहा होगा। बोलने वाले का प्रभाव इसलिए नहीं पड़ता वक्ता का कि खुद अपनाने वाला नहीं होता, खुद वो अपनी आंतरिक अवस्था नहीं बनाता, इसी दूसरों पर प्रभाव बहुत कम पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। पर मेरी भगवान जानती है, मैं इससे ज्यादा क्या कहूं, अंतर वाला जानता है कि जब मेरा चिंतन जारी गए, श्रवण करने वालों पर भी ये गहरा प्रभाव पड़ना चाहिए। चुचक जैसी संगत वैसी रंगत, ये रंग आप पे जरूर चढ़ जाना चाहिए, ये रंग उम्र उम्मीद से चढ़ता जा रहा होगा, नहीं चढ़ा, या मैं कसूरवार हूं या आप कसूरवार हैं, हम दोनों में एक, गीता को नहीं कसूरवार कह सकते, गीता तो एक चमकता चांद है, सूरज है ज्ञान का। हमारी आंखों का दोष है क्या, जो सूर्य को नहीं देखती वो उल्लू होती है, उल्लू की आंखों का दोष है जो सूर्य के साथ आंखें चार नहीं करते। भगवान का ज्ञान तो एक सूर्य की तरह जगमगा रहा है, अगर हमारे मन में नहीं बैठा तो वी आर ऑल टू बी ब्लेम्ड, मैं शब्द लगा रहा हूं, वी आर ऑल टू बी ब्लेम्ड, कसूरवार हम रहेंगे, महाराज जी कसूरवार नहीं है ना उनका ज्ञान। तो जटोलो आप अपने आप को, मैं टटोलू तो मेरी आवाज आती है मेरे अंदर से, जितनी यथामति यथाशक्ति मैं पुरुषार्थ कर रहा हूं आपको समझाने की, बताने की, प्रेरणा देने की, सारे साधन बताने की जो साधन मेरे गुरुदेव ने मेरे से लगवाए हैं और मुझे परमार्थ की मंजिलें आगे बढ़वाई है, वही तरीके मैं आपको बताई जा रहा हूं। तो आपकी अवस्था ये जरूर बन जानी चाहिए, बाबा क्या रोज सुन रहे हो, क्या सदा मेरा पेगम, हर वक्त चिंतन भगवान का, टटोलिए सच्चाई के साथ, टटोले मेरी भैया, ओ मेरी बेटी, हर समय चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, लेते देते, आते जाते, प्रत्येक प्रकार के छोटे बड़े कार्य करते हुए, whether we are in or out, अपने परिवार में है या कहीं काम करने के लिए बाहर जाते हैं, where your mind is, हमने बार बार देखना है कि मेरे मन कहां है, मालिक के साथ, यही आपका जवाब होना चाहिए। अचानक अपना निरीक्षण किया करे, मेरे मन कहां है, भगवान जी के संग लगा हुआ। तो फिर मैं आपको पुरजोर शब्दों में कह रहा हूं, थोड़े दिनों की बात है, आप भगवान के लिए मैं तलीन हुआ चाहते हैं, ज्ञान का पहला प्रभाव बुद्धि विवेक में परिपक्व हो जाती है। भगवान ने गीता में इसलिए दूसरे अध्याय में हमें ये कहा है, जो अकले इरादी रहे मुस्तकिल तो यक्षु और पुख्ता, वाह वाह इष्टदेव आपका बहुत बड़ा उपकार, बड़ा भारी उपकार मेरी माताओं, मेरी लाडली बेटियों, बड़ा भारी उपकार जो मालिक ने पहले ही में दूसरे अध्याय के अखीर में बता दिया, जिसका इरादा पक्का रहेगा उसका मन भी सीमेंटेड हो जाएगा, उसका मन भी डावाडोल नहीं हो सकता। क्यों? मन पूर्ण रूपेण बुद्धि के इरादे के अधीन है। इसलिए भगवान ने अगले आधे श्लोक में, उत्तरार्ध में,
श्लोक में दो लाइन दो ही पंक्तियां होती है ना। हाँ, पहली पंक्ति को बोलते हैं पूर्वार्ध और जो नीचे वाली पंक्ति होती है उसे बोलती है उत्तरार्ध, नीचे वाली आधी। नीचे वाली आधी में इसलिए स्पष्ट कह दिया, इरादा रहो जिसका सुलझा हुआ रहेगा ख्यालों में उलझा, बिल्कुल क्लियर कर दिया ताकि कोई बदगोई करने वाला, बदगोई कुतुर्की कुतुर्की कुतुरक करने वाला आपको बेकार न ले, कोई भी तर्क वितर्क न करे, जरा भी आपको बहकाए नहीं कुतर्की। उर्दू बोलते बदगोई, आप अपने आप को जान लें कि आपका विवेक परिपक्व है और आप कहें सतमुच परिपक्व है तो मन हमेशा भगवान में लग जाएगा, मन में और चिंतन हो ही नहीं सकता, क्योंकि विवेक को क्या बोलते हैं, गुरुओं का महागुरु, विवेक गुरुओं का गुरु है। हाय, विवेक क्या है, किंग्स ऑफ किंग, क्या है, बादशाहों का सम्राट, जो बादशाहों से बड़ा उसे अपनी भाषा बोलते हैं सम्राट, किंग में से बड़ा हो, किंग से कई किंग जिसके अंडर हो उसे अंग्रेजी बोलेंगे एम्परर। हाय, एम्परर है, हाँ आएगा आहा, शाबाश शाबाश शाबाश। तो क्या ऐसे विवेक को बढ़ावा दिया गया इसलिए कारण से ही सब कुछ पता लगता है। विवेक तो हमारा दर्पण है, एक दर्पण जिससे हम अपने शरीर के अंग देख सकते हैं, और ये विवेक क्या है, ये हम अंतःकरण देख सकते हैं, वेयर वी ऑल स्टैंड। विवेक मानसिक दर्पण है, विवेक अंतःकरण का दर्पण है जो हमारी आंतरिक अवस्था बता देता है। ओ मेरी देवियों, विवेक को आप दर्पण कहा करो, विवेक इज जस्ट लाइक ए मिरर, इट इज जस्ट लाइक ए लुकिंग ग्लास, नॉट ऑफ फेस बट ऑफ आवर अंतःकरण। इसका मतलब लुकिंग ग्लास दो होती हैं, एक तो ये जो अपने घरों में शीशे की टुकड़ी पड़ी है जिससे हम अपने शरीर को देखते हैं या चेहरे को देखते हैं, एक ये विवेक है जिससे हम अपने अंतःकरण को देखते हैं कि मेरी आंतरिक अवस्था क्या है। तो वो हमारे व्यास जी कह रही गई, क्या इतने इतने लंबे समय सुनते रहे, विवेक परिपक्व हो गया? आप कहें जरूर जरूर, तो फिर मन हमेशा ही भगवान का चिंतन करता है, शाबाश। आपको खाया पिया हजम हो जाता है, जरूर डॉक्टर से खून टेस्ट कराइए, जो अंगूठे आप अंगूठे पे लाली नहीं थी लाली आ गई, चेहरा भक्खुटा लाल हो गया, भूख आप खूब लगने लगी, नींद आप साउंड आती है कि नहीं, यही लक्षण होते हैं जब खाया पिया हजम हो जाए तो। इसी तरह अगर बात आप अच्छा खाते हैं, पौष्टिक तत्व पौष्टिक भोजन लेते हैं, तो फिर ये उसके लक्षण है सेहत का बन जाना अच्छा। और अगर ये भगवान जी का ज्ञान हमारा मन हजम कर रहा है, हाँ हम इसे हमारी बुद्धि, मैं बकवास कर गया क्षमा चाहता हूं आप सबसे, क्या भगवान जी का ज्ञान मैंने मन शब्द लगाया, हमारी बुद्धि ने ले लिया तो ज्ञान बुद्धि ले लेती है, हाँ, और प्रेम मन ले लेता है और कार्य शरीर पकड़ता है। कैसा बड़ा सिस्टम भगवान ने बना रखा है, गीता में जो ज्ञान की बातें होगी सीधी जाएंगी बुद्धि में, और गीता में जो प्रेम भरी बातें हैं वो सीधी जाएंगी मन में, और गीता में जो कर्म की बातें हैं उसकी डिलीवरी होती है तन में जाकर, बुद्धि के निर्णय का प्रभाव हमारे मन पे आता है। तो ये महाराज जी का ज्ञान दिया जा रहा है आप पर जरूर होगा, तो मन प्रभु के चिंतन में जारी है, अगर है तो मैंने कितनी चौथी बार आप कह रहा हूं, भगवान की जात में तल्लीन होने के बहुत थोड़े दिन रह गए, क्योंकि आप अब अगर ये अवस्था हर समय प्रभु का चिंतन हो रहा है तो आप यकीन जानिए भगवान के द्वार पर खड़े हो चुके हैं, दरवाजा खुला खुला के खुला, ये अब आपको देखना है, मैंने अपने ताई देख लिया है, आप भी देख लो बाबा। ओ बाबा, हर समय प्रभु का चिंतन जारी है, कितनी बार हमारे प्रभु गीता जी में ये वचन कह चुके हैं, अर्जुन इस विचित्र अपनी सृष्टि और संसार से उन्हें मैं अपनी दिव्य शक्ति दी करके आगे बढ़ाऊंगा, उनकी मंजिलों को मैं तय करूंगा, ऐसा
फरमान सारी गीता में कही, जो 12वें अध्याय में कहा, मैं करता हूं अर्जुन उन्हें, आप काम का कर सजाइए काम जाप, उनकी पूर्ण सहायता करता हूं। तनाशक के फानी समुन्दर आवागमन के चक्कर से भाव सागर से परले पार हो जाता, तनाशक तो आवागमन, ये संसार क्या है आवागमन, हर रोज आप देखते हो, कहीं मर जाते हैं, कहीं जन्म ले रहे हैं, कहीं मर रहे हैं, आप संसार में देखी ना, कहीं शमशान की ओर, कहीं जहान की ओर, क्या मजाक क्या बना हुआ है, काफी जीव शमशान की ओर जा रही है, काफी जीव आपको पेट में आ रही है, कहीं पेट से निकल आ रही है, न्याय कानून सर आज्ञा मांग रहे हैं, न्याय कानून सर, बाबा ओ बाबा, काफी जीव शमशान की ओर और काफी जीव जहान की ओर, इसे बोलते हैं आवागमन। मेरी बात और मेरी बेटियों, ये आवागमन है। हाँ तो भगवान कहते हैं जीव को आप जैसे को थोड़े से जीव होंगे जिनको यह आवागमन का चक्कर अच्छा नहीं लगेगा, जिनको यह आना जाना जाना आना आना जाना नहीं अच्छा लगेगा, नहीं अच्छा लगेगा। आके जाता रहा जाके आता रहा यूं ही चक्कर 84 के खाता रहा, नहीं अच्छा लगेगा। आके जाता रहा जाके आता रहा यूं चक्कर 84 के खाता रहा। आप जैसे विचारवादों को, आप जैसे विचारों से भरी हुई विदुषी देवियों को ये चक्कर नहीं भाएगा। बार बार जाना, चाहे आप मेरे से कितना प्यार करें, चाहे आप कितना आदर मेरा करें, मैं आपसे कहूं कि ये दोनों दरवाजे खुले गए, किसी को पकड़ लू बेटी मेरा कहने माने को, मैं जरूर मानूंगा कि दरवाजे जाओ जैसे आ जाओ, आप आ गए, काका फिर जाओ फिर आ जाओ, आ गए काका दिल करते हैं फिर जाओ फिर आ गए, बाबा अब चौथी बार मैं फिर कहूंगा बाबा आपका बार बार भेजने का आने का मतलब क्या, क्यों काका बाबा मैं तो तंग आ गया, बस तीन बार में तंग आ गया, हाँ और जो बार बार जन्म रही है मर रही है उससे तंग नहीं है ना, हाय अब इतना प्यार करने वाले के साथ भी आप तीन बार कहना मानेंगे वो भी आपकी मेहरबानी है कि आप तीन बार गए और आए, तंग आ जाएगा मन, और कितनी बार हम ये थोड़े से जीव होंगे, इसलिए रब ने कहा हजारों लाखों में होगा कोई, खा खान अब इसको फिक्र सुने कमा, कितना मन तंग आ जाता है, आना जाना आना जाना, बार बार अंदर वाला जीव मरता है फिर जन्म लेता मरता है, कारण अज्ञानता, असलियत की पहचान के बाद बस आना जाना खत्म। तो आइएगा ऐसी बातें जान लेने के बाद आपके मन के संकल्प विकल्प, आपके मन के राग द्वेष, आपके मन का इधर उधर का चिंतन, संसार का ज्यादा वार्तालाप समाप्त, ये अवस्था मेरी और आपकी जरूर बन चुकी होगी, ना हो उसको फिक्रे चुनाव तुनी, कहे योग का उसको मस्त नसीब, अर्जुन भी योग की चौकी पे जम के बैठ गया जिसके मन के संकल्प विकल्प समाप्त हो जाती है। मेरे प्रभु कह रही है, हमारे इष्ट जी कह रही है, ऐसी अवस्था बन गई, मैं करता हूं अर्जुन उन्हें कामगार इस तनाशक के पानी समुद्र से पार, किनको न देख लीजिए दिल अपना जो मुझ में, अगर कोई एक श्लोक ने मेरे मन पे बड़ा भारी असर किया, महाराज जी का फरमान करते वो 12वें अध्याय का ये श्लोक थे जो मैं आपकी झोली में डाल रहा हूं, जो आपको मैं आंचल में रख रहा हूं बेटी, ये बहुत कमाल का फरमान है, किनके लिए भगवान सब कुछ कर देंगे, दिल अपना जो मुझ में मुझी से निजात मैंने मुक्ति अपनी, आप पर भी पूरा प्रभाव पड़ जाना चाहिए, बस मन के विचार भगवान में और लगाने युग है ही कोई नहीं, जहां तो चला माने इधर लगाए क्यों, आपको मिट्टी पलीट करूं पहले पता नहीं था आपको पता लग गया, आप क्यों आपकी तबाही के समान पैदा करो, नहीं जान बुझ के अक्खी देखकर मक्खी नहीं निकली जाती, बिल्कुल आपके पैर पर कौन कुल्हाड़ी मारेगा, जिस टहनी पे बैठा है उस टहनी को कौन काटेगा, जब मुझे पता लग चुका है अब नहीं हो सकता ऐसा, शानदार यही मैं सुनना चाहता था आपसे, निरीक्षण करो अपना, ये सबसे पहला प्रभाव है भगवान की ज्ञानी की, भगवान के ज्ञान का श्रवण करने का,
कि बुद्धि विवेक में परिपक्व हो जाती है। बुद्धि के परिपक्वता के आ जाने के बाद मन का चिंतन केवल भगवान का होता। क्या मेरे और आपके लागू हो गया? गीता को छाती में रख के कह सकते गए क्या? मुझे किसी अर्जुन भुलाता नहीं, क्यों किसी गैर से दिल लगाता नहीं? ऐसे तपाक से अपने आप को, ये श्लोक मेरे पे लागू होता है कि नहीं, ये श्लोक मेरे पे लागू हो रहा है कि? ऐसी तपाक से कहा करो, ऐसे शानदार कहा करो, जैसे कभी कभी आप लड़ पड़ती हो अपने घर वाले के साथ कि आपकी शादी मेरे साथ नहीं हुई। क्यों नहीं? कौन कहता है? मैं कहती हूं। आप रात को 10-10 बजे आती है, 9 बजे आती है, कभी 11 बजे, क्या बात है? क्लब में बैठी रहती है। हाँ, क्लब शीदी होती है, शीदी होती है, हीदी होती है, तो फिर वहां जरूर आपका मन भटकता होगा। भटकता तो है, देर कितने मुंह मेरे मुंह पर कह रही हो तो क्या मेरे साथ शादी नहीं हुई? क्यों नहीं? फिर मेरी कदर करो ना, आप लोग शाम को घर आ जाओ। ये भी क्लब की आई, 11-11 बजे तक घर नहीं आना। कितने जोरदार शब्दों में रोक के कहती हूं। तो क्या मैं आपको बताने वाला नहीं? क्या मैंने आप क्लियर नहीं किया? क्या मैंने आपको समझाया नहीं? क्या आपके शब्दों का समाधान नहीं किया? अगर घरवाली आपके साथ लड़ सकती है तो मुझे तो लड़ना आता नहीं, ये मैं आपकी जोश दिखा रहा हूं। तो क्या आप अपने मन को अंदर गहरा नहीं जा सकते कि इतना समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है, तो फिर क्या मेरे पर यह पूरी लागू होता भगवान का फरमान? कौन सा? मुझे दिल से अर्जुन बुलाता नहीं है, किसी गैर से दिल अपने पे लागू कर लो, तब आप समझिए बहुत बड़ा असर हुआ भगवान के ज्ञान का। सारी गीता सुनाने के बाद अर्जुन ने यही कहा, जब भगवान ने पूछा बता तेरे दिल से धनंजय कहीं फिर भी जहानत गया या नहीं, अज्ञानता की थजिया उड़ी है कहीं, तूने एक आंकड़े सुना जी महाराज, और तो अंतर जानी है, मैंने आपका सारा उपदेश अज्ञानता सुना, तो ये प्रभाव पड़ा क्या? अज्ञानता गई कि नहीं? बिल्कुल गई। पता चल गया क्या? मैं मेरा राप पर रोम रोम कह रहा है, ओ शर्मा ओ वर्मा ओ वर्मा ओ शर्मा, क्या मेरा आपका मन कह रहा है? पता चल गया दिल है मजबूत, बजा लाऊंगा आपके हुक्म सब। ऐसे जीव बड़ी जल्दी मालिक की जात में समा गए, ऐसे जीव बड़ी जल्दी, जीव शरीर से हम नर नारी है, शरीर से हम दस्ती व्यक्ति है, अंदर से तो हम नर नारी नहीं, सूक्ष्म शरीर का सेक्स नहीं होता, सूक्ष्म शरीर का कोई लिंग नहीं होता, ये स्थूल शरीर का स्त्री लिंग पुलिंग होता है, सूक्ष्म शरीर तो छाया है क्या? अच्छा, सूक्ष्म शरीर से पता कोई लगता नहीं नारी है कि नर है, ये तो बारी के इन अंगों से पता लगता है कि नर कौन और नारी कौन। हां, अंदर वाला तो हमारा दोनों का एक जैसा है। अच्छा, उसे तपाक से कह दीजिएगा, पहला प्रभाव भगवान के उच्च कोटि के ज्ञान का। आप देख लो मेरी बेटियों, मेरी माताओं, मेरे सज्जनों, इसी पहले प्रभाव पर ही आज मैंने समय संपूर्ण कर डाला, पर मैं ये जारी रखूंगा ये विषय, भगवान के ज्ञान का क्या प्रभाव पड़ता है अंतःकरण पर, व्यास जी के अनमोल फरमान के अनुसार, उनके अनमोल तप के आधार पर मैं बोल रहा हूं, जो उन्हें तप के आधार पर हमें बताया। पहला ये विवेक की परिपक्वता और मन में प्रभु केवल भगवान का चिंतन, केवल सब लगाया उन्होंने मन में केवल भगवान का चिंतन, जब बुद्धि में विवेक की परिपक्वता हो जाती है फिर हम देखें अपने आप को, फिर टटोले अपने आप को, टटोलिए। आहा, कभी कभी मैंने घर की कोई बात नहीं छोड़ी आपको बता दू, सारे प्रसंग अनुसार बता देता हूं। कभी कभी मां हलवा बनाती थी, हां पता नहीं मुझे क्यों बिठा देती थी, काका जरा आना चौके में, हां मां ये चाशनी बन रही है, मैं जरा बात सुन जाना, मैं बड़ी मजबूर हो गया, मां तू जा, पुत्र ऐसा करना, हाथ यू में लगा सड़ जाएगा, अच्छी चीज ये चाशनी पकनी वाली है, मां मुझे कैसे पता लगेगा, ऐसा करना, ये फिर अब तक याद है अच्छी ये बात सर, मैं 1938 की बता रहा हूं, तो आज 95 हो गया, तो माने मुझे बताया कि ये प्रणामी कच्ची ये इसमें डाल के एक इस पतीली के ऊपर लगा देना, फिर उसकी आप उंगली से यू देखना, ये चाशनी की ये एक ड्रॉप ले लेगा, और उसको ये दूसरी उंगली लगा के ये देखना, अगर बीच में ये टूट जाए लड़ी तो चाशनी कच्ची, और अगर ये लड़ी सीधी आ रही है तो फौरन उतार के नीचे रख देगा।
है कितना बढ़िया तरीका, चाशनी कच्ची की पक्की, ये ना टूटे। अगर ये तार, इसे तार कहेंगे, अगर ये तार सीधी आ रही है यहां तक, हम मां यहां तक, हम बस यहां तक, तो समझो चाशनी पक्की में नीचे उतार दो, नीचे पर मैं तो आ ही रही हूं। अच्छा मां मैं देख लूंगा, तुम्हें चिंता पूर्वक जा। इसी तरह क्या हमारे मन की तार कच्ची की पक्की? मैं तेरी बात सुन जा रहा, मैं तो आपके पास बैठा हूं, आपके पास हूं मैं दीदी। हमारे मन की चाशनी कच्ची की पक्की, अभी कभी कभी कह करके मां के शब्द याद आते हुए, और मां को क्या करूं, आशीर्वाद कहूं, सद्भावना दे देता हूं कि ओ मां तूने ये बड़ी बात बतलाई, चाशनी कच्ची की पक्की, तेरा पुत्र भी यही देख रहा है अपने मन को, मेरा मन की चाशनी कच्ची के। इतना कहकर मैं खामोशी ले रहा हूं, आपके मन की चाशनी कच्ची की पक्की, घर में जाकर देख लेना, घर में जाकर देख लो मेरी माता मेरी बेटियों, आपके मन की चाशनी कच्ची की पक्की। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। Time.
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यवने। हरि ओम शांति 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 ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।